हेलो गाइज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं इसका फोल्डिंग से रिलेटेड किकर लिफ्ट किसको बोला जाता है बेस लिफ्ट किसको बोला जाता है फर्स्ट लिफ्ट क्या है और आपको बताने वाले हैं इसका फोल्डिंग कैसे बनाया जाएगा तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आप हंड्रेड परसेंट इसका फोल्डिंग के बारे में जानकारी लेकर जाइएगा तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर आए हों पहली बार वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि के वीडियो बनाने का हमारा मकसद जो है पूरा हो जाए तो सबसे पहले स्काप होल्डिंग बनाने से पहले ग्राउंड कंडीशन देखा जाता है मजबूत होना चाहिए ठीक है उसके बाद हम जो है कि नीचे में एक लकड़ी का बोर्ड रखते हैं जिसका नाम है सोल बोर्ड देख सकते हैं स्काफ होल्डिंग बनाने से पहले नीचे में सारा स्टैंडर्ड जितना खड़ा है उसके नीचे एक बोर्ड रखा गया है लकड़ी का बोर्ड उसका नाम है सोल बोर्ड और इसका साइज होता है दो सौ पच्चीस में चौड़ाई होगा और चार सौ पचास में लंबाई होगा और और अड़तीस एम एम इसका थिकनेस होगा ओके इसे सोल बोर्ड बोलते हैं इसलिए ये दिया जाता है ताकि हमारा इसका फोल्डिंग जमीन में ना धे ठीक है उसके बाद उसके ऊपर आप देख सकते हैं एक छोटा सा प्लेट रखा हुआ है लोहा का प्लेट आप वीडियो में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का होता है जिसका नाम है बेस प्लेट बेस प्लेट का साइज होता है डेढ़ सौ बाई डेढ़ सौ एम एम होता है और इसमें जो ऊपर एक निकला हुआ है संक उसका नाम है शंक का मिनिमम साइज पचास एम एम होना चाहिए और थिकनेस जो बेस प्लेट का है वो फाइव एम एम सिक्स

गया हुआ है आपके पैरों के पास में आप देख सकते हैं पूरा जो है कि वीडियो में पाइप मारा हुआ है इसका नाम है किकर लिफ्ट और किकर लिफ्ट का स्टैंडर्ड हाइट जो होता है डेढ़ सौ एम हाइट होता है इसका और इंटरव्यूअर यह सवाल कर सकता है किकर लिफ्ट बेस लिफ्ट फुट टाई तीनों नाम आपको मैं बता रहा हूँ इसलिए कि आपको इंटरव्यू में आप फेल ना करें और इंटरव्यूअर आपको अलग अलग नाम से पूछ सकता है कि किकर लिफ्ट का हाइट कितना होगा बेस लिफ्ट का हाइट कितना होगा फुट टाई का हाइट कितना होगा तो आपको एक ही जवाब देना है कि डेढ़ सौ एम होगा सर ओके तो ये हो गया हमारा किकर लिफ्ट आप समझ गए एरो के निशान के आप मार्किंग देखे होंगे समझ गए होंगे किकर लिफ्ट बेस लिफ्ट फुट क्या होता है ओके अब हम बात करते हैं स्टैंडर के बारे में जो भी पाइप वर्टिकल में खड़ा है हमारा सोल बोर्ड और बेस प्लेट के लगने के बाद से पाइप खड़ा है उसको स्टैंडर बोलते हैं अब हम बात करते हैं लेजर और ट्रांजम के बारे में सबसे पहले बात करते हैं लेजर के बारे में लेजर का काम होता है स्टेंडर को आपस में जोड़ने का ओके और इसके लिए दोनों साइड में आप देख सकते हैं पाइप लगा हुआ है और इस्टेंडर को ज्वाइंट किया गया हुआ है एंगल कपलर से इसको ज्वाइंट करते हैं लेजर को हमेशा एंगल कपलर से ही ज्वाइंट करेंगे आप अब बात करते हैं ट्रांजोम के तो ट्रांजोम्स भी कई प्रकार का होता है सबसे पहला होता है स्ट्रक्चरल ट्रांजोम आप देख सकते हैं इसका फोल्डिंग के इंड में नीचे से लेजर के नीचे से एक राइट एंगल कपलर के साथ जोड़ा हुआ है इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांजोम ओके और बीच वाले को बोलेंगे प्रिंसिपल ट्रांजॉम ठीक है और साइड वाले को बोलेंगे स्ट्रक्चरल ट्रांजॉम अब होता है इंटरमीडिएट ट्रांजॉम लेजर समझ में आ गया स्ट्रक्चरल ट्रांजॉर्म समझ में आ गया प्रिंसिपल ट्रांजॉर्म समझ में आ गया अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट ट्रांजम्स का तो इंटरमीडिएट ट्रांजम जो है कि लेजर के ऊपर रखा जाता है बोर्ड रखने जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं लेजर के ऊपर जो रखा हुआ है पाइप इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट ट्रांजम जिसको सिंगल कपलर के साथ जो है कि ज्वाइंट किया जाता है इसके ऊपर बोर्ड रखा जाता है ठीक है अब बात करते हैं हम ब्रेसिंग के बारे में सबसे पहले बात करते हैं लेजर ब्रेस के बारे में तो लेजर ब्रेस जो देख सकते हैं आप चौड़ाई के साइड में मारा हुआ है इसको बोलते हैं लेजर ब्रेस ओके लेजर ब्रेस इसको बोलेंगे क्लाइंट ये भी सवाल कर सकता है कि ब्रेसिंग कितने डिग्री में होता है तो आपको बताना है थर्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव डिग्री में हमारा ब्रेसिंग जो भी लगता है वो होता है ओके तो ये सवाल आपको हो गया अब बात करते हैं हम फेस ब्रेस के बारे में जिसे हम स्वे ब्रेस भी बोलते हैं तो स्वेब्रेश फेस ब्रेस उसे बोलेंगे जो हमारे सामने दिखाई देगा ठीक है उसे हम स्वेब्रेश बोलेंगे स्काफोल्डिंग के सामने या फेस ब्रेश बोलेंगे ओके ये हमारा जो होता है स्का फोल्डिंग में स्वेब्रेश और फेस ब्रेश लगाने का एक जो है कि स्टैंडर्ड होता है एवरी सिक्स वे छोड़ के हमारा स्का फोल्डिंग के फुल लेंथ में लगेगा अब बात करते हैं बे लेंथ के बारे में ओके ये दो मैं ब्रेसिंग बताया आप लोगों को ये दो ब्रेसिंग बहुत ही कॉमन है हर जगह पर यूज किया जाता है चाहे वो टावर जिसका फोल्डिंग बनाए चाहे वो इंडिपेंडेंट बनाए ओके अब हम बात कर लेते हैं बे लेंथ किसे बोलते हैं तो बे लेंथ भी आपको मैं बता देता बे बे लेंथ और बे विर्थ ओके सबसे पहले बात करते हैं बे लेंथ का तो एक से दूसरा स्टैंडर के दूरी को हम बोलते हैं बे लेंथ जैसे आप वीडियो में आप देख सकते हैं ये हमारा एरो का निशान इसे हम बोलेंगे बे लेंथ और हम चौड़ाई वाले भाग को बोलेंगे बे विर्थ ओके इसे हम चौड़ाई वाले भाग को बोलेंगे बेविर्थ और हमारे लंबाई में एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड की दूरी को बोलेंगे हम बे लेंथ ओके अब बात करते हैं हमारा टो तो गार्ड का तो टो तो गार्ड जो है हमारा मिनिमम कितना हाइट होना चाहिए टो गार्ड किसे बोलते हैं जब हम स्का फोल्डिंग पर प्लेटफॉर्म बना देते हैं तो साइड में आप देखा होगा कि एक बोर्ड लगाया जाता है खड़ा करके उसे हम बोलते हैं टो गार्ड तो टो तो गार्ड का हाइट मिनिमम एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है डेढ़ सौ में एम होता है लेकिन हम लोग तो ज़्यादातर यूज़ करते हैं हमारा जो स्का फोल्डिंग का जो हमारा बोर्ड है वही हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन इंटरव्यूअर आपसे पूछ देगा कि टो बोर्ड का स्टैंडर्ड हाइट क्या है तो आपको बताना है डेढ़ सौ एम ओके अब बात करते हैं मिड रेल का और उसके बाद टॉप रेल का तो मिड रेल का बात करें तो मिड रेल हमारा टॉप बोर्ड से चार सौ सत्तर एम होना चाहिए और टॉप रेल जो है हमारा फिर मिड रेल से 470 सौ सत्तर एम होना चाहिए ओके इंटरव्यूअर ऐसे भी सवाल कर सकता है कि टॉप रेल का हाइट कितना होना चाहिए तो टॉप बोर्ड से हमारा 950 सौ पचास एम होना चाहिए ओके और फिर हमारा टॉप रेल से मिड रेल 470 सौ सत्तर एम होना चाहिए मैं जितना भी आपको जानकारी इसका फोल्डिंग के बारे में अभी मैं दिया हूँ ये हंड्रेड परसेंट जेनुइन है यही प्रोसीजर फॉलो होता है वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसे ही हमें वीडियो के लिए और नॉलेज फुल जानकारी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग